दोस्तों, आज हर कोई अपने जीवन में इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करना चाहता है ताकि शब्द बड़े ही अच्छे लगें और सभी को आराम से समझ में आ जाए। और आज हम जानेंगे कि सीताफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसके साथ ही सीताफल से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर भी विचार करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीताफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों, सीताफल को इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है CUSTARD, कस्टर्ड, APPLE, कस्टर्ड एप्पल। सीताफल या कस्टर्ड एप्पल का मतलब क्या होता है, आइए जान लेते हैं। इस फल को शरीफा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक तरह का फल होता है। यह फल पीला या भूरे रंग का होता है। जब इस फल को खाया जाता है तो स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि यह मीठे होते हैं। इसके साथ ही यह हल्का दरदरा होता है। इस फल में पाए जाने वाले बीजों का आकार अंडाकार होता है। दोस्तों, इस तरह से सीताफल को इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल के नाम से जानते हैं, जिसका मीनिंग होता है CUSTARD, कस्टर्ड, APPLE, एप्पल, कस्टर्ड एप्पल। यह हमने जान लिया है। इसके साथ ही सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जान लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कस्टर्ड एप्पल। फर्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको मालूम है कि सीताफल में विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको पता नहीं होगा कि सीताफल के तने को चबाने से जुकाम और कफ की समस्या आसानी से दूर हो जाती है। थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब पके हुए सीताफल को अच्छी तरह से कूट कर नमक मिला लिया जाता है तो एक ऐसा लेप तैयार हो जाता है जिससे किसी भी तरह की गांठ को ठीक किया जा सकता है। फोर्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट, मधुमेह के रोगियों के लिए भी सीताफल उपयोगी होता है। इसके लिए सीताफल के पत्तों का पाउडर बनाया जाता है और इसका सेवन करने से मधुमेह का रोग दूर हो जाता है। इस तरह से हमने सीताफल को इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल के नाम से जाना जाता है, जिसका मीनिंग होता है CUSTARD, कस्टर्ड, APPLE, एप्पल, कस्टर्ड एप्पल। यह हमने अच्छी तरह से जान लिया है। इसके साथ ही सीताफल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी बड़ी विस्तार से जान लिया है। क्या आपको ऐसे ही इंग्लिश शब्दों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।